नमस्कार, चैनल वन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल खत्री। रविवार रात की बात करें तो धारा 144 लगा दी गई जम्मू कश्मीर में, और तब से जो दुकानदारी रोज़गार वो थमसा गया। और आज बुधवार का दिन है, लगातार अगर सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, बुधवार को थोड़ी सी जो है ढील नज़र आती दिख रही है, क्योंकि जो भी गलियों में छोटे मोटे दुकानदारों ने दुकान खोली है, और सुबह एक चैम्बर की तरफ से भी एक मैसेज आया था कि लोग जो हैं वो बाहर आएं और दुकानें खोलें, और एक जिस तरह से पहले शांति का माहौल था, जिस तरह से पटरी पे गाड़ी चलती थी वैसे ही चले। हमारे साथ कुछ लोग हैं जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या दो तीन दिन जो है वो दुकानदारी बंद रही, आज थोड़ी सी खुली है जिससे थोड़ी छूट मिली है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव भंडारी जी। राजीव जी, रविवार रात को, देर रात को कर्फ्यू लगता है, दो दिन से ज़िंदगी एक थम सी गई थी, और आज थोड़ी सी जो है ढील थोड़ी मिली है, आहिस्ता आहिस्ता दुकानदारी जो है दुकान जो है वो खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, क्या लगता है कितने दिनों तक दोबारा से माहौल पहले जैसा हो जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा है माहौल, जम्मू वालों को दुकानें खोलनी चाहिए, वेलकम करते हैं, 370 हट गई हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि सुबह एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैसेज आता है कि शॉप इज़ ओपन, उसके दो घंटे के बाद डीसी जम्मू बोलता है कि मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं है कि दुकानें खोलो या ना खोलो, मेरे चैम्बर की जिम्मेवारी है। इसलिए हम कन्फ्यूजन में हो गए कि दुकानें खोलें या ना खोलें, क्या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है तो बताएं, आप क्लियर होनी ज़रूरी है कि क्या क्या किया जाए। हाँ, क्या किया जाए बताएं हमको गवर्नमेंट आगे, हमने कि ऐसा कहा है या नहीं कहा, या र्यूमर है, जम्मू में तो कुछ नहीं है जी। एक तरफ इनका कहना सही है, क्योंकि एक तरफ नेट सर्विसेज भी बंद है, कोई मैसेजेस अगर व्हाट्सएप की बात करें या मैसेजेस की बात करें, किसी तरीके से भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। अगर कोई प्रशासन द्वारा कदम अगर उठाए जा रहे हैं तो उस कदमों को लेकर पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, तो कितना ज़रूरी है, खासकर एक माध्यम तो जो फ़ोन है वो तो बंद हो गया, नेट नहीं चल रहा, तो उनके पास माध्यम है, गाड़ियों को लो स्पीकर लगाएं, जैसे कर्फ्यू का लॉन्च करते हैं वैसे वो लॉन्च करें कि हमारी ये आगे की पोजीशन है, जी हम ये ऐलान कर रहे हैं कि दुकानें बंद रखनी है, खुली रखनी है जी। कुछ बच्चे लोग बाहर निकल रहे हैं गाड़ियां लगे, कल एसएसपी जम्मू ने कोई आर्डर किया कि जो भी जाता था गाड़ियों की चाबी निकाल लेते थे, एक तरफ कहते हैं 144 लगी है, तो 144 में घूमना तो एक अकेला आदमी तो घूम सकता है। मैं यही ज़्यादा प्रशासन से कहूँगा कि हालात को नॉर्मल करने के लिए कुछ ऐलान करें। तो इनका कहना था कि हालात को नॉर्मल करने के लिए दोबारा से जो है जिस तरह से पहले रोज़गार सबका चल रहा था वैसे ही दोबारा से दुकानें खुलें, सब लोग बाहर आएँ और काम करें। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम शशिपाल गुप्ता। किस तरह देखते हो पिछले तीन दिन से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 144 लगाई गई, बंद रहा, आज थोड़ी सी ढील भी लग रही है और गलियों में भी दुकानें खुल रही हैं, धीरे धीरे जो है वो फ़र्क पड़ रहा है, क्या लगता है आने वाले कितने दिनों तक ये दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि अगर जम्मू में ये पूरी तरह से अनाउंस कर देते हैं कि आप अपने कारोबार इदारे खोल सकते हैं तो कोई भी ऐसी दुर्घटना होने की कोई हमें कोई नहीं लगता है कि संभवता है ऐसी कोई। बाकी गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपनी जो भी फोर्स वगैरह है वो लगाएं और दुकानदारों को ये फैसिलिटी मिले, हाँ जी खोलो आप, कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लियरेंस होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ जम्मू में तो जम्मू वाले तो चाहते हैं कि ये टूटनी चाहिए थी, ये जो भी है 370 और 35A का जो भी था, बाकी ये टूट गया, हम तो वेलकम करते हैं इस चीज़ को। जम्मू वाले भी वेलकम कर रहे हैं, लद्दाख वाले भी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में पिछले 70 सालों से जो महबूबा मुफ्ती का परिवार है या फिर फारूकउद्दौला उमर उद्दौला का परिवार है, उनको ये बात पच नहीं रही, क्या कारण लगते हैं कि आपको, और मुझे लगता है कि श्रीनगर की आवाम जो है वहाँ के पब्लिक जो लोकल पब्लिक है वो भी इस चीज़ से बड़े खुश होंगे, क्यों ऐसा लगता है कि पिछले 70 साल की सियासत जो खेलते वो आए हैं कहीं ना कहीं वो सियासत डूबती नज़र आ रही है उनकी? देखो भैया, हम लोग दुकान खोल के बैठे हैं, अपना कारोबार करते हैं, पैसा लगा के बैठे हैं, ये तो बिना पैसा लगा के कारोबार कर रहे हैं, इनका तो कारोबार बंद हो रहे हैं ना, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। तो वही बात, देखिए जम्मू भी खुश है, लद्दाख भी खुश है, श्रीनगर के कुछ लोगों को छोड़कर जो है वो बाकी जो सियासी रोटियां इतने सालों से सेकते आए हैं पिछले 70 सालों से, वो कहीं ना कहीं वो उनकी दुकानें जो है वो बंद हुई हैं। सर, कैसा है कि पिछले दो दिन से बाज़ार बंद है और जैसे बाकियों ने भी कहा कि क्लियरेंस नहीं है हमें, चैम्बर की तरफ से मैसेज कुछ और आता है, डीसी जम्मू की तरफ से मैसेज कुछ और आता है, तो कहीं ना कहीं उस डाउट में फंसे हुए हैं क्योंकि नेट नहीं चल रहा, कुछ माध्यम नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की तरह अनाउंसमेंट की जाए कि लोग क्लियर हो जाएं, क्या लगता है आने वाले कितने दिनों तक यहाँ पर दोबारा से पहले की तरह जो गाड़ी है पटरी पर चलना शुरू हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी मुबारक देना चाहता हूँ और जम्मू के वासियों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो 370 का एक काला धब्बा हमारे सर पर चमक रहा था उसको आपने मोदी जी ने हटा दिया है। अब जम्मू के शहरी और कश्मीर के शहरी एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के नागरिक गिने जाएंगे। पहले हमारा एक झंडा अलग हुआ करता था, तिरंगा झंडा अलग हुआ करता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा, स्टेट का झंडा अलग हुआ करता था, अब एक विधान, एक संविधान और एक निशान,
ये तीनों बातें इकट्ठी होने के बाद मैं सबको मुबारक देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है मोदी जी ने, और इसकी मैं मुबारकबाद जनता को भी देना चाहता हूँ कि जनता ने उनका सहयोग किया है, दुकानें बंद रखी हैं, प्रोटेस्ट कोई नहीं हुआ है। कश्मीर में हो सकता है कोई छुटपुट प्रोटेस्ट हुआ होगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट का कोई मायने नहीं रखता है। एक चीज़ जो सेंटर से मोदी सरकार की हमेशा से रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है 370 धारा टूटने के बाद वो सब चीज़ें अमल में लाई गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि अब सबका साथ सबका विश्वास जो है ये सबके दिमाग में आ चुका है। अब सबके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि मोदी जी ने जो भी स्टेप लिया है बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, जम्मू की जनता के लिए बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। हिंदुस्तान की जनता तो इस समय खुशियाँ मना रही है, दिवाली का माहौल बना हुआ है, जैसे ढोल धमाके के साथ हम घर में खुशी मनाते हैं, हिंदुस्तान में खुशी मनाई जा रही है। क्योंकि ये तो एक उत्सव सा माहौल बन गया है कि एक 70 साल 72 साल से एक काला धब्बा सा हमारे सर पर लगा हुआ था कि 370 और 35 ये एक थोप के रखी गई थी। हम लोग यहाँ पे ना तो कोई कारोबार कर सकते थे, खुल के बाहर से लोग कोई आके ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। अब बाहर से लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगने से कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ने से हमारे, हम तो ये चाहते हैं कि लोग बाहर से आएँ, इंडस्ट्री लगाएँ, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलेगी। इससे बड़ी खुशी हमें आज तक नहीं मिली। तो इससे बड़ी खुशी आज तक नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात है इनका कहना है कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम क्लियर आउट कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर चैम्बर की तरफ से अगर इस तरह का मैसेज आता है कि आप दुकानें खोल लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ मैसेज ये फ्लैश होता है कि दुकानें अगर खुलती हैं तो आप लोग खुद जिम्मेवार होंगे, उसके हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? अंकुश गुप्ता जी। अंकुश गुप्ता जी, कैसे देखते हो, पिछले 3 दिन से जो था वो बंद था, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है, जैसे इन्होंने कहा कि चैम्बर की तरफ से उन्होंने कहा कि दुकानें खोल दी जाएं, क्या लगता है आपको कब तक सब चीज़ जो है वो सामान्य हो जाएगी? अब सब कुछ सामान्य ही है, अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि थोड़ा सा सर्कुलर यहाँ पे मैसेज कर दें कि अब दुकानें यहाँ पे खोल दी जाएं, कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात नहीं है, ओपन हो जाएं दुकानें, ताकि जिसकी ईद है, राखी रक्षाबंधन है, जो शॉपिंग करनी है वो उनकी हो, और पीसफुल साइलेंट है जम्मू, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यही चाहते हैं अब बिल्कुल सही सलामत में ओपन हो जाएं सब कुछ, तो सही सलामत सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में ईद आने वाली है, 12 तारीख को ईद है, उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद 15 अगस्त की अगर बात करें तो 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन है, और सेम टाइम पे 15 अगस्त के दौरान इंडिपेंडेंस डे भी है। तो एक जो इनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रशासन को चाहिए कि एक बार क्लियर आउट कर दे और लोग जो हैं वो बाहर आएँ, शॉपिंग खरीदें, शॉपिंग करें वहाँ पर दुकानों पर जाकर। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, कैसे देखते हो, पिछले 2 दिन से जम्मू में धारा 144 लगी हुई थी, आज थोड़ी सी ढील, एक जब चैम्बर की तरफ से मैसेज आता है कि आप दुकानें खोल लीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ से मैसेज आता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर आप दुकानें खुलती हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, तो ये डबल माइंड होकर इंसान जब रहता है तो क्या मानसिक स्थिति उस समय होती है इंसान की? क्या लगता है आने वाले टाइम में कब तक ये खुल जाएंगी दुकानें? अरे, आने वाला टाइम तो बहुत बढ़िया टाइम है यार, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। तो जो चैम्बर हो या कोई हो, हम जम्मू वासी जो हैं बहुत खुश, वो दुकानें हमने अपनी मर्जी से खोली हैं। वो टाइम चला गया जब डर के दुकानें बंद करते रहे, डर के खोलते, किससे डरना है? अब हमारा जो 370 दफ़ा तोड़ी है, ये तो हम मोदी जी का बहुत मेहरबानी समझते हैं, शाह जी की मेहरबानी समझते हैं, जिन्होंने हमें 70 साल के बाद दुनिया दिखा दी है दुनिया में क्या है। अब दुकानें अपनी हैं, मुल्क अपना है, जम्मू कश्मीर अपना है, सब कुछ अपना है। हम मानते हैं कि सब कुछ अपना है, लेकिन जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस तरह की धारा लगाता है 144, उसका उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनकी बात मानी। लेकिन आज हमने दुकानें खोली हैं, लोग खुश हैं, कोई वो बंद कराने के लिए तो आई नहीं है, चैम्बर हमारा अपना है, ऐसी बात थोड़ी है, चैम्बर ने कहा खोलो, असल उन्होंने चैम्बर ने भी सोच करके बोला होगा कि हाँ दुकानें खोलो, अगर गवर्नमेंट कहती है कि दुकानें खोलो, वो गया तो कोई नहीं हमें बंद कराने के लिए, पर हम बंद करें भी क्यों, हम खुशी है। देखिए, हाँ कल कोई ऐसी बात हो सकती है, उसके लिए हम हर तैयार रहते हैं, हम तो हम अपने जम्मू में हैं, अपना कश्मीर है, अपना हिंदुस्तान है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तो देखिए, एक अलग सा जोश, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो मेन बात ये है कि जम्मू के वासी जो हैं उनको, उन्होंने 370 टूटने को एक वेलकम स्टेप की तरह लिया है, और आने वाले टाइम में बहुत सी त्यौहार आने वाले हैं, ईद आने वाली है और रक्षाबंधन आने लगा, इसी तरह बहुत से त्यौहार आने वाले हैं, तो वापस जो जम्मू कश्मीर में जो है दोबारा से वही रौनक दिखेगी बाज़ारों में, सब कुछ वैसा ही दिखेगा, और 15 अगस्त को एक अलग जोश और खरोश के साथ जम्मू की जनता जो है, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बाहर आएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे भी 370 टूटने के बाद किस तरह का स्टेप ये मानते हैं, और दूसरी बात ये कि इनकी क्या उम्मीद है, इनको क्या लगता है कि कब तक जो है
दोबारा से बाज़ार खुल जाएँ, दोबारा से दुकानें खुल जाएँ और पहले की तरह चहल पहल हो जाए। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं प्रेसिडेंट हूँ गली खिलौना ट्रेडर एसोसिएशन का। आप एक चीज़ बताइए, 370 टूटने के बाद अगर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, कईयों ने कहा कि हाँ भाई अच्छा हुआ जम्मू के लिए, और लद्दाख के लोगों ने कहा लद्दाख के लिए बहुत अच्छा स्टेप था, जम्मू कश्मीर की अगर पूरी ओवरऑल बात की जाए, किस तरह से स्टेप लेते हो आप 370 टूटने के बाद, क्या कुछ आगे घटने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, 370 जो है वो बहुत देर से डिमांड थी लोगों की भी, जम्मू के लोगों की भी डिमांड है, और जो पार्टियां काम कर रही हैं इस वक्त जो हुकूमत में हैं उनकी भी बहुत देर से ये उनके एजेंडे में था कि 370 जो है हम पहले ख़त्म करेंगे, और आस्ता 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 वो टाइम आ गया कि उन्होंने ये चीज़ को ख़त्म किया। बाकी व्यापार की बात है, व्यापार तो चलेगा ही, दो चार दिन के लिए बंद है, इसके बाद तो व्यापार चलेगा, आखिर ज़्यादा देर बंद नहीं रहेगा, ये व्यापार उसी तरह चलेगा, उसी तरह खुशहाली होगी, लोग बाहर से आएंगे, इंडस्ट्री खुलेगी, यहाँ लोगों के हालात अच्छे होंगे, गरीबों को जो है वो सरकारी योजनाओं का जो है वो उसका फ़ायदा मिलेगा, ये सब चीज़ें होंगी, और इससे खुशहाली बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ आएगा, खुशहाली आएगी, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। और धारा 370 टूटने के बाद खासकर उन नेताओं को काफ़ी तकलीफ है, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरह से देखते हो आप धारा 370 टूटने के बाद, किस तरह से आप देखते हो, और दूसरी बात आज थोड़ी ढील सी मिली है 144 जो लगी हुई है धारा, और किस तरह की सोच है कि अभी तो चलो गलियों में दुकानें खुली हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्द दोबारा से पहले की तरह ज़िंदगी चलने लगेगी, दोबारा से दुकानें खुल जाएंगी? सबसे पहली बात है कि ये जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये लोगों की डिमांड थी, आम जनता की डिमांड थी, कश्मीर के 10-15-20% लोग नहीं चाहते, बाकी तो हमारे चाहते हैं, उधर भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ था, जितना पैसा आता था, कल पार्लियामेंट में बताया कहाँ पैसा गया, कहाँ खुशहाली हुई, अब ये है कि ये हमारा यूनियन टेरेटरी बन गई है, इससे क्या है कि जो भी पैसा आएगा बराबर बटेगा और लोग खुश होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाहर की कंपनियाँ आएंगी, अभी कल एक स्टील बेल्ट कंपनी है जो हेलमेट बनाती है, उन्होंने कहा जी सबसे पहले हम इधर खोलेंगे काम, उससे क्या कि जो हमारे लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं उनको काम मिलेगा, और इनकी दुकानदारी बंद होगी जिन्होंने हमें 70 साल नीचे लगा के रखा है। तो एक बहुत अच्छी बात कि 70 साल जिन्होंने नीचे लगा के रखा है, एक रोज़गार बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, बहुत से बेरोज़गार जो इस समय जो यूथ खासकर एम्प्लॉयमेंट के लिए यद्दोजहद करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन नौकरियाँ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती, और बहुत सी जो हैं यहाँ पर और ऑफिसेज खुलेंगे, MNC कंपनीज खुलेंगी, और उसका फ़ायदा भी होगा, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जसर सिंह है। कैसे लेते हो 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, मतलब जम्मू कश्मीर का ओवरऑल देखा जाए, क्या सोच है कि 370 टूटने के बाद क्या कुछ होने वाला है, एक उम्मीद जो रहती है इंसान को, कैसी उम्मीदें हैं आपको? सर देखिए, जो 370 दफ़ा है हमारी काफ़ी डिमांड थी जिसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि अब हमें इसका नुकसान था, क्योंकि जहाँ पे ना कोई कारोबार है ना कुछ है, जो कुछ भी जाता था कश्मीर में चले जाता था, कश्मीर वाले जम्मू वालों को समझते थे कुछ नहीं थे, हम चाहते हैं अब बाहर के लोग आएंगे, फैक्ट्री लगेगी, कारोबार चलेगा, जो हमारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो बाहर क्यों जाएँ, बाबा अपने जम्मू में ही काम करेंगे आराम से, तो हम चाहते थे हमारी जो बहुत देर की डिमांड थी टूटनी चाहिए, तो हमारी जब सुन ली भगवान ने, सुनने के बाद हम तो खुश हैं। तो एक कुल मिला के खुशहाली की लहर भी है, इनको एक वेलकम स्टेप लगता है, हमारे साथ और भी। सर देखिए, जैसे 370 टूटी, बहुत से जैसे कहते हैं कि एक बाहर की MNC कंपनीज आएंगी, कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट वैसे खुलेंगे, और बहुत से कॉलेजेस जो बाहर हुआ करते थे, लोग स्पेशल यहाँ से पढ़ने रियाद बाहर कॉलेज हो गया या बाकी कॉलेज हो गए, चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे पढ़ने के लिए, अब वही सब फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर की यूथ को यहीं मिलने वाली हैं, तो किस तरह देखते हो ओवरऑल 370 टूटने के बाद, एक आम जनता की क्या राय है इस पर, किस तरह से उम्मीदें हैं आने वाले टाइम पर? जहाँ के बच्चों को अगर कॉलेज वगैरह जहाँ खुल जाए अच्छे अच्छे, तो बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत कोई नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, घर के घर बैठेंगे, वो पढ़ने के लिए पढ़ने ही जाएंगे। तो इनकी ओवरऑल ने यही बात की कि 370 टूटने के बाद जो है वो सीधा सीधा बेनिफिट जम्मू कश्मीर को ज़रूर होगा, और कुछ लोग जो हैं खासकर जो 5-10% लोग श्रीनगर में नहीं चाहते, उन्हीं को शायद इस चीज़ से तकलीफ़ होगी। और रही बात इनका, जितने भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारी काफ़ी देर से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 370 तोड़ी जाए, और एक जम्मू कश्मीर जो है बाकी चीज़ों से जो वंचित था, जो कई स्कीम्स सेंटर से निकलती थी, बहुत सी नौकरियां वगैरह जो होती थी उससे वंचित था, वो अब जो है असली हक जो जम्मू कश्मीर का बनता था वो 370 टूटने के बाद मिलेगा। आप जुड़े रहिए चलवान के साथ।
For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.